दोस्तों भारत अपनी थल सेना और नौसेना के लिए MQ-9 रिपर ड्रोन खरीद रहा है। लद्दाख और हिंद महासागर में चीन के साथ जारी गतिरोध को देखते हुए भारत को इस ड्रोन की बेहद सख्त आवश्यक है। इंडियन नेवी पहले से ही MQ-9 रिपर की दो यूनिट को ऑपरेट कर रही है। दोस्तों सवाल है कि MQ-9 रिपर ड्रोन की खासियत क्या है, इसकी क्या ऑपरेशनल हिस्ट्री रही है और कौन कौन से देश इस ड्रोन की उपयोग कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि ड्रोन की कीमत क्या हो सकती है। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। नंबर 10, MQ-9 रिपर एक अमेरिकी मानव रहित एरियल व्हीकल है जो दूर से ही एटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन या रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे जनरल एटोमिक्स एरोनोटिकल सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है। यह मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना के लिए है। MQ-9 रिपर की पहली उड़ान 2 फरवरी 2001 को भरी थी। यह MQ-1 प्रीडेटर से डेवलप किया गया है। नंबर 9, एक टैपिकल MQ-9 सिस्टम में कई एयरक्राफ्ट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेंटेनेंस स्पेयर्स और कर्मी दल शामिल होते हैं। रिपर को मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। नंबर 8, MQ-9 रिपर के कई वेरियंट्स हैं जैसे मेरिनार, गार्जियन, MQ-9 ब्लॉक 5, मोजावे और MQ-9B। MQ-9 रिपर ड्रोन के प्राइमरी यूजर्स जैसे US एयर फोर्स, US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इटालियन एयर फोर्स और रॉयल एयर फोर्स हैं। 2021 तक 300 से ज़्यादा MQ-9 रिपर प्रोड्यूस किए गए हैं। अब कई देश जैसे इंडिया, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड और स्पेन उपयोग कर रहे हैं। नंबर 7, MQ-9 रिपर की लंबाई 11 मीटर, ऊंचाई 3.81 मीटर, पंख फैलाव 20 मीटर है। इस ड्रोन का खाली वजन 2223 केजी और मैक्सिमम टेकऑफ वजन 4760 केजी है और इसका फ्यूल कैपेसिटी 1800 केजी है। नंबर 6, MQ-9 रिपर का मैक्सिमम स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज 109 किलोमीटर है। इसका एंड्योरेंस 27 आवर्स और ऑपरेशनल अल्टीट्यूड 25,000 फीट है और यह मैक्सिमम 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। नंबर 5, MQ-9 रिपर में 7 हार्डपोन्स है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाले मैक्सिमम 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल या 4 हेलीफायर मिसाइल और 2 500 पाउंड GBU-12 पावे 11 लेजर गाइडेड बॉम्ब ले जा सकते हैं। GBU-38 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन भी कैरी कर सकता है और मिशन के आवश्यकता अनुसार कई AIM-9 साइड वाइंडर ब्लॉक 2 मिसाइल भी ले जा सकता है। MQ-9 रिपर का कीमत लगभग 32 मिलियन पर यूनिट हो सकता है। नंबर 4, MQ-9 रिपर में ANDS-1 MTS-B मल्टी एक्सपेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम, ANAPY-8 लिनक्स 2 रडार और रैथोन सिवे मरीन सर्च रडार जैसे एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। यह सिंगल हनीवेल TPE-331-10 टर्बोप्रोप विथ डिजिटल इंजन कंट्रोल से संचालित है जो मैक्सिमम 671 किलोवाट थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। नंबर 3, वर्ष 2008 में न्यूयॉर्क एयर नेशनल गार्ड 174th अटैक विंग ने F-16 फाइटर जेट से MQ-9 रिपर को स्विच करना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से मानवरहित एरियल व्हीकल के उपयोग में परिवर्तित होने वाली पहली फाइटर जेट यूनिट बन गई। नंबर 2, 17 जुलाई 2008 को US एयर फोर्स ने बलाद एयरबेस से इराक के भीतर रिपर मिशन उड़ाना शुरू किया था। नंबर 1, 14 मार्च 2023 को दो अवरोधक रूसी SU-27 फाइटर जेट में से एक काला सागर के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान भर रहे MQ-9 रिपर से टकरा गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।